हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट विनोद शर्मा अपने चैनल कानून और आम आदमी में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, ज़्यादातर रोड एक्सीडेंट्स में आरोपी बरी हो जाता है, यानी कि प्रोसिक्यूशन अपना केस प्रूव नहीं कर पाती, लेकिन बीच बीच में कुछ ऐसे केसेस आते हैं जब प्रोसिक्यूशन अपना केस प्रूव कर देती है और आरोपी को गिल्टी ठहराया जा सकता है और तब जो है उसकी सज़ा का ऐलान होता है। और ये कोर्ट पे डिपेंड करता है कि उसकी सज़ा कितनी हो, यानी कि एक कभी कभी कोर्ट कोई लीनियंट व्यू लेकर आरोपी को केवल फाइन पर छोड़ देती है और कई बार फाइन के साथ कुछ नॉमिनल सी इम्प्रिजनमेंट रखती है केस के सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से, केस के फैक्ट्स के हिसाब से, और आरोपी की बैकग्राउंड भी देखी जाती है कि क्या वो प्रीवियस कन्विक्ट है या रिपीटेड ऑफेंडर है या उसका ये फर्स्ट टाइम ऑफेंस है। तो कई सारी कंसिडरेशन उसमें शामिल होती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कब जो है अदालत रोड एक्सीडेंट के केस में आरोपी को दोषी ठहराती है, सज़ा सुनाती है। तो दोस्तों, कई सारे इसमें इंग्रेडिएंट्स होते हैं। मैंने अपनी पहले बहुत सारी वीडियोज इस टॉपिक पे बनाई है, उसमें मैंने काफ़ी कुछ टच किया है, लेकिन आज भी मैं आपको जो है कुछ नए पहलू उसमें बताऊंगा कि कब प्रोसिक्यूशन का केस प्रूव हो जाता है और आरोपी के लिए सज़ा का ऐलान हो जाता है जब कंप्लेनेंट अपनी स्टेटमेंट को कोर्ट में प्रूव कर दे, यानी कि जो शिकायत करता है, जो विक्टिम पक्ष है, वो कोर्ट में अपनी स्टेटमेंट को प्रूव करे और उसमें कोई कंट्राडिक्शन ना हो, किसी तरह का कोई जो है उसमें कंफ्यूजन ना हो, कोई डाउट ना हो, वो तब अगर वो प्रूव हो जाती है तो ये एक पॉइंट है कंप्लेनेंट के पक्ष में कि वो आरोपी को सज़ा दिलवाने में कामयाब हो सकता है। दूसरा दोस्तों, FIR यानी कि जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट आप पुलिस दर्ज करती है रोड एक्सीडेंट के केस में, वो जो है उसके कंटेंट्स कोर्ट में प्रूव हो जाएं, और इसका मतलब है कि जो विटनेसेस हैं, ऑफिशियल विटनेस, कंप्लेनेंट और या जो है कोई इंडिपेंडेंट अगर विटनेस है, तो वो प्रोसिक्यूशन की स्टोरी के आधार पर, यानी कि FIR के कंटेंट्स के आधार पे अपनी टेस्टिमोनी दे और वो कोर्ट में ये चीज़ प्रूव करे अपने बयानों को। जो मौके का साइट प्लान है, अगर वो प्रूव हो जाता है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, डाउट नहीं है। जो रिकवरी मेमो होता है, यानी कि जो एक्सीडेंट के बाद व्हीकल सीज किए जाते हैं, वो रिकवरी मेमो कोर्ट में प्रूव करना होता है। मैकेनिकल टेस्ट रिपोर्ट्स होती हैं कि जो मैकेनिक पुलिस के तरफ से आता है, वो अपनी मैकेनिकल रिपोर्ट्स पे कोर्ट में पेश करता है चलान के साथ, और वो अगर एविडेंस में प्रूव हो जाती हैं, और जो घटना के फोटोग्राफ्स हैं, यानी कि जो फोटोग्राफ खींचे जाते हैं दुर्घटना के तुरंत बाद पुलिस के द्वारा, तो वो भी अगर कोर्ट में प्रूव हो जाए, ये सब इंग्रेडिएंट्स अगर टुगेदर कोर्ट में प्रूव हो जाते हैं, तो ये एक जो है आधार है आरोपी के लिए सज़ा पाने का। और एक और इसमें पॉइंट महत्वपूर्ण है कि अगर मान लो कि जो प्रोसिक्यूशन है वो कोई भी इंडिपेंडेंट विटनेस पेश ना करे और सारे ऑफिशियल विटनेस या इंटरेस्टेड विटनेस अपने केस में उनकी टेस्टिमोनी कराए, तो और ऑब्जेक्शन करे जो अक्यूज पक्ष है कि कोई भी इंडिपेंडेंट विटनेस इसमें मौजूद नहीं है, तब भी जो है ये डिसअप्रूव नहीं किया जा सकता फैक्ट। अगर पूरे के पूरे इंग्रेडिएंट्स प्रूव हो जाते हैं बाकी वाले, तो इस आधार पर ये नहीं कहा जा सकता कि जो आरोपी था वो अपने व्हीकल को रैश और नेग्लिजेंट वे में चला रहा था और जिसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ। और तीसरा इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों कि अक्यूज्ड अगर आरोपी कोई भी अपने पक्ष में कोई विटनेस, डिफेंस का विटनेस, उसकी टेस्टिमोनी ना कराए, उसको अपॉर्चुनिटी दे कोर्ट
कि आप चाहें तो अपने पक्ष में कोई भी गवाह पेश कर सकते हैं, लेकिन अगर वो तब भी ना करे और सिर्फ जो है प्रोसिक्यूशन जो विटनेस हैं उनके रिएक्शन पर वो एक्ट करे, तो तब उसका केस बहुत ही कमज़ोर हो जाता है और वो उसको जो है सज़ा इसमें हो सकती है। तो दोस्तों जो है कई बार कोर्ट्स क्या करती हैं कि मामले को देखकर, जो केस के फैक्ट्स हैं उसको देखकर, कन्विक्शन करने के बाद भी आरोपी को सिर्फ फाइन पर छोड़ देती हैं। जैसे अगर मान लो मैं एग्जांपल दूं कि 279 जो सेक्शन है आईपीसी की, उसमें 6 महीने की सज़ा है या फाइन है या दोनों हैं, और 1,000 रुपये का फ़ाइन है इसमें, तो कोर्ट कई बार क्या होती है करती है कि 1,000 रुपये फ़ाइन जो मैक्सिमम है वो इम्पोज़ कर देती है, और अगर डिफ़ॉल्ट करता है फ़ाइन पे करने में तो 30 दिन की सज़ा इसमें के लिए करती है। जैसे 336 है, इसमें 3 महीने की सज़ा है, 250 रुपये का फ़ाइन है, तो कोर्ट 250 रुपये का मैक्सिमम फ़ाइन कर देती है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमारे एक केस में कोर्ट ने आरोपी को गिल्टी होल्ड तो किया लेकिन उसको सज़ा नहीं दी, इम्प्रिजनमेंट नहीं दी, और सिर्फ फाइन लगाकर जो है उसको छोड़ दिया। तो 337 की मैं बात करूं, इसमें 6 महीने की सज़ा है और 500 रुपये फ़ाइन है, तो इसमें हमारे केस में 250 रुपये फ़ाइन इम्पोज़ किया गया और डिफ़ॉल्ट करने पर 15 दिन की सज़ा का इसमें जो है प्रावधान रखा। 427 है दोस्तों, ये भी जो है कई बार रोड एक्सीडेंट के केसेस में लगती है। इसमें क्या है कि मिसचीफ एंड देयर बाय कॉजिंग डैमेज टू द अमाउंट ऑफ ₹50 और अपवर्ड्स, यानी कि मिसचीफ के द्वारा किसी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना जिसकी कीमत ₹50 या उससे ऊपर है, तो इसमें 2 साल तक की सज़ा है, फ़ाइन का प्रावधान है, या इसमें दोनों हो सकते हैं। तो ऐसे में कोर्ट जो है इसमें अपनी मर्जी से 500-1,000 रुपये जैसे फ़ाइन इसमें लगा सकती है। और इसके बाद आता है सेक्शन 338, इसमें 2 साल तक की सज़ा है और साथ में फ़ाइन भी है, तो इसमें कोर्ट जो है कई बार 500-1,000 रुपये जो है फ़ाइन लगा कर छोड़ देती है। तो इसमें दोस्तों एक जो 304A की धारा है ये थोड़ी स्ट्रिंजेंट है, इसमें 2 साल तक की इम्प्रिजनमेंट का प्रावधान है या फाइन है या दोनों है, तो ऐसे केस में 304A में जो फाइन पर नहीं छोड़ा जाता, अक्सर में हम देखते हैं कोर्ट्स में वहाँ पर सज़ा का ऐलान होता है, या तो जो है पूरी के पूरा एक्विटल होता है बेनिफिट ऑफ डाउट के बेस पे, और या इसमें सज़ा होती है 2 साल की सज़ा है इसमें मैक्सिमम। अब कोर्ट कितना करती है, 6 महीने करती है, 3 महीने करती है, 1 साल करती है, या पूरा मैक्सिमम 2 साल करती है, ये भी केस के फैक्ट्स पे डिपेंड करता है। इसमें एक और सेक्शन दोस्तों जोड़ी गई है, सेक्शन 304AA, यानी कि कॉजिंग डेथ और इंजरी बाय ड्राइविंग एनी व्हीकल वाइल इन ए स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन, यानी कि जो ड्रंकन ड्राइवर ड्राइविंग है, शराब पीकर गाड़ी चलाने का जो अपराध है, या नशीले पदार्थ, कोई नारकोटिक्स का सेवन करने के बाद गाड़ी चलाने का जिसमें वो है, और अगर फिर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, किसी की मृत्यु हो जाती है या किसी को इंजरी हो जाती है, तो ये बहुत ही सख्त एक सेक्शन बनाया गया है और ये अभी हाल ही में जोड़ा गया है। इसमें जो इम्प्रिजनमेंट है वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, यानी कि जो है जीवन भर का इसमें कारावास हो सकता है, और इम्प्रिजनमेंट फॉर 7 ईयर्स, या इसमें 7 साल तक की जेल हो सकती है, और या इसमें और साथ में इसमें फ़ाइन भी होगा, और ये एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है और कग्निजेबल ऑफेंस है, इसमें जो है तुरंत बेल का प्रावधान है नहीं होता। एक और छोटी सी सेक्शन है रोड एक्सीडेंट से संबंधित, इसमें 283 है, जैसे कॉजिंग डेंजर और ऑब्स्ट्रक्टिंग और इंजरी इन एनी पब्लिक वे और लाइन ऑफ नेविगेशन, यानी कि ये रॉन्ग पार्किंग के संबंध में है,
अगर किसी ने सड़क पर रॉन्ग पार्किंग की है और उसकी वजह से कोई एक्सीडेंट हुआ या किसी को इंजरी हुई तो तब ये सेक्शन जो है एक्टिवेट की जाती है। और इसमें जो सिर्फ जो है इसमें फ़ाइन का प्रावधान है, इसमें 200 रुपये फ़ाइन का प्रावधान है। तो दोस्तों ये जो रोड एक्सीडेंट के केसेस में ये मोटे तौर पे ये सेक्शंस अप्लाई की जाती हैं। और मैंने आपको बताया कि आरोपी को इसमें कब सज़ा मिल सकती है, कितनी सज़ा मिल सकती है और क्या कभी